अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर, और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के आज के हमारे लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 द एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंटिन्यू है। और आज का जो लेक्चर होने वाला है, थर्ड लेक्चर होगा बेसिकली। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वो तमाम की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनका ताल्लुक एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ है। जो भी वो रिएक्शन करते हैं, और बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, तो उनको जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि वी आर डीलिंग विद द एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात की जाए, तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको समझाया भी था कि आप उसको याद रख सकते हो। हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली हम बात कर रहे हैं अल्कली मेटल्स की, और हम बात कर रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तब जाके बनेगा एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, दोनों के दोनों नहायत ही रिएक्टिव हैं। अल्कली मेटल्स भी बहुत रिएक्टिव है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और अगर सीरीज मैंने आपको जिस तरह से याद करने के तरीके का बताया था, लियाकत ने की रब से फरियाद, ठीक है ना, और फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को याद करेंगे तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। तो ये जो है हम याद रख सकते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम फ्रेंशियम, और फिर यहाँ पे बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम, और इसी तरीके से रेडियम तक जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो है फ्रेंशियम और रेडियम दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो क्योंकि ये हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो इनकी इनको बेसिकली हम लोग डिस्कस नहीं करते इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं ड्यू टू देयर रेडियो एक्टिव नेचर, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। अच्छा, इसके अंदर रिएक्टिविटी इन सब की हाई है, दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं। ये बात तो आप लोगों ने उस लेक्चर में भी समझी होगी, और अभी भी याद रखनी है, ताकि फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बात समझ में आना शुरू हो जाए। और एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तकरीबन तमाम के तमारी हाईली रिएक्टिव हैं, ये थोड़े से रिएक्टिव कम हैं। और जो रिएक्टिविटी है, दो तरीक़ों से समझो इस बात को। एक तो ये कि रिएक्टिविटी जो है वो इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, रिएक्टिविटी डाउन दी ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होती है। और दूसरी बात, जो अल्कली मेटल्स हैं वो अपने पड़ोसी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिहाज से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स की तरफ बढ़ रही है और डाउन दी ग्रुप बढ़ रही है। इसका मतलब इन तमाम एलिमेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा हमारा सीजियम। तो ये जो सीजियम है ना, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन सब के अंदर, जो कि मैंने आपको तरीक़ेकार बताया, उससे आप जो है वो ईजिली याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो जो अल्कली मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और दूसरी बात, अल्कली मेटल्स की भी रिएक्टिविटी डाउन दी ग्रुप बढ़ती है। तो इसका मतलब, इस लॉजिक से सीजियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और वैसे ही ये एक्चुअली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। और तमाम की तमाम जो केमिस्ट्री है हमारे, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी बड़ी अहम बात ये है कि क्या करना क्या चाहते हैं बेसिकली। कोई भी एलिमेंट क्या करता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो क्या करता है एक्चुअली? वो चाहता है कि वो हो जाए स्टेबल, और स्टेबल होने के लिए उसे चाहिए होती है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको हमें हासिल करना होता है, और इसी को हासिल करने के जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, टू अटेन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो लूज करते हैं एस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। जो एस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये उसे लूज करते हैं, और जब इसको लूज करेंगे तो वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हासिल कर लेंगे। लेट से अगर मैं बात करता हूँ लिथियम की, तो लिथियम में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। 1s2 अगर लिथियम की देखी जाए तो हो जाएगा 1s2 2s1। तो सिर्फ उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी है, और ये जो इनकी रिलीज़ करना जो ये चाहते हैं कि भाई हम जो है एस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दें, लूज़ कर दें, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको सपोर्ट कर रही हैं दो बातें,
एक तो ये है कि जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था कि इनकी जो है वो आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होती है, एक तो हो गया लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, एक तो ये सपोर्ट कर रहा है। और उसी लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसको सपोर्ट करने वाली दूसरी क्या है कि इनका हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाई होता है, ठीक है ना। और ये बातें क्यों हैं तो आप वो सेकेंड वाला लेक्चर जाके देख सकते हो, फिलहाल हमें उसमें डिटेल में बात नहीं करनी, लेकिन मुझे फैक्टर्स बताने थे, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी लो है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है, तो ये हो जाते हैं पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन बहुत अच्छा करेंगे, तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे ये, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी भी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये जो सारे प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई ये गवर्न करेंगी कि क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो हेलोजिनेशन करता है, हेलोजिनेशन का मतलब है कि जो इसका रिएक्शन होता है विद हेलोजन्स, रिएक्शंस विद हेलोजन्स, ये किस तरीके से हो रहे हैं इनको जहन में रखना है। अगर मैं आपको जस्ट फार्मूला बताऊं कि अल्कली मेटल्स किस तरह से कर रहे हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल किस तरीके से कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स कैसे रिएक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी एलिमेंट है अगर अल्कली मेटल है, ठीक है ना, तो अगर वो रिएक्ट करता है किसी हेलोजन के साथ, हेलोजन को हम एक्स से शो करते हैं, तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में हमारे पास बन जाता है जो भी मेटल होता है वो उस हेलोजन आयन के साथ यानी कि हैलाइड बनाता है। और अगर रिएक्शन देखा जाए उसको बैलेंस करने के लिए तो ये भी इसके 2 मोल्स होते हैं मेटल के, और यहाँ पे भी जो बनता है वो 2 मोल्स बनते हैं। जबकि ये जो एम है यहाँ पे जो मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है, ये एम क्या हो सकते हैं, ये अल्कली मेटल्स हो सकते हैं, लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, और जो मैंने अभी आपको बताया ना फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स वो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसी की एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट से सोडियम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया सोडियम, और इसका रिएक्शन कराते हैं किसी हैलाइड के साथ तो वो हो जाएगा क्लोरीन गैस के साथ। जैसे ही क्लोरीन गैस के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक सॉल्ट मिलता है NaCl, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आयनिक सॉल्ट्स बनाते हैं सबसे ज़्यादा ये लोग ना, तो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सोडियम और 2 मोल्स ऑफ सोडियम होंगे, और ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाएगा। और इसी तरीके से हेलोजिनेशन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में किस तरह से हो रही है, जनरल रिएक्शन पहले समझना है। जनरल रिएक्शन के अंदर हमारा मेटल होगा उसका एक ही आयन होगा, वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और नतीजे में बना देगा वो भी एक सॉल्ट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा MX2। जबकि इस मरतबा क्योंकि मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहा हूँ तो क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है बेरीलियम, ये हो सकता है मैग्नीशियम, यानी कि बेरीलियम फैमिली का हो सकता है कोई भी मेटल। जिसकी एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो एग्जाम्पल के अंदर जो है वो मैग्नीशियम की एग्जाम्पल कॉमन है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का रिएक्शन भी करा देते हैं लेट से आयोडीन के साथ, तो इस तरीके से जब रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। तो सीधा सीधा मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे हेलोजिनेशन किस तरीके से मेटल्स कर रहे हैं। तो सिर्फ अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स जो बना रहे हैं, बाकी काफ़ी हद तक सेम ही है, और आप समझ जाओगे इस तरीके से हेलोजिनेशन होती है, ठीक है। फिर हाइड्रोजिनेशन किस तरीके से हो रही है, ये किस तरीके से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो इसके रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन हो रहा है, तो मैं अगर मेटल वाली कॉमन जनरल फार्मूला देख लें, अल्कली का जनरल फार्मूला देख लो अल्कली मेटल्स का, तो यह हो जाएगा हमारे पास 2 मोल्स होंगे किसी भी किसी भी मेटल के, अल्कली मेटल के, और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नतीजे में क्या हो जाएगा, नतीजे में बनाएगा 2 मोल्स, और जो भी है हाइड्रोजन आके कंबाइन हो जाएगा उस एलिमेंट के साथ। इसकी मिसाल अगर देखी जाए तो ये तमाम के तमाम अल्कली मेटल्स हैं वो ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो अल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 2 मोल्स ऑफ लिथियम अगर रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो ये 2 मोल्स बनाता है लिथियम हाइड्राइड का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं अल्कली मेटल्स। और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें कि वो किस तरीके से हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 2 की जगह 1 मोल होगा, और वो जब रिएक्ट करेंगे
तो वैलेंसी के मुताबिक वो क्या बनाएंगे, वो बना देंगे हमारे पास, जो ये मेटल है वो H2 के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी कोई रिएक्शन देख लेते हैं, कैल्शियम के साथ देख लेते हैं। कैल्शियम का अगर हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो नतीजे में क्या बनाएगा, बनाएगा कैल्शियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो रिएक्शन हो रहे हैं वो इसी तरीके से होंगे हाइड्रोजन के साथ, और काफ़ी हद तक वो मिलते जुलते हैं हमारे हेलोजिन्स के रिएक्शन के साथ। जैसे हेलोजिन के रिएक्शंस थे, तकरीबन हाइड्रोजन के रिएक्शन भी वैसे ही हैं, और तकरीबन नाइट्राइड्स की जो फॉर्मेशन होती है वो भी उसी तरीके से होती है। यानी कि हमारे ये जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये किस तरीके से रिएक्शंस अंजाम देते हैं विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जो भी मेटल है। अल्कली मेटल्स के बारे में पहले बताते हैं, इधर अल्कली मेटल्स आ जाएंगे। अल्कली मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो नतीजे में क्या बनेगा, नतीजे में हमारे पास आ जाएगा नाइट्राइड, अल्कली मेटल्स के नाइट्राइड आ जाएंगे। ठीक है, और 2 मोल्स आ जाएंगे यहाँ पर, और इसी तरीके से इसको बैलेंस करने के लिए इधर आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो वैलेंसी जैसे है नाइट्रोजन की, तो उस लिहाज से उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। और अगर एग्जांपल देखी जाए तो अल्कली मेटल्स में सोडियम की एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। सोडियम को अगर हम रिएक्ट कराते हैं विथ नाइट्रोजन, ठीक है, तो फिर वही कांस्टेंट तो चलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 Na3 और यहाँ पर आ जाएगा N। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस भी हो जाएगा इजीली, और ये हो जाएगा रिएक्शन विद नाइट्रोजन अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल्स इसी रिएक्शन को फॉलो करते हैं, और तमाम के तमाम लेकिन हाँ, बेरिलियम को हटा के अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूँ तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आधे हो जाते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ मोल आधे थे, इसमें भी नंबर ऑफ मोल आधे थे फ्रॉम अल्कली टू अल्कलाइन। तो यहाँ पर अगर कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ तो आधे नंबर ऑफ मोल होंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास M3 और N2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेरिलियम के अलावा कोई भी एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। मैग्नीशियम की एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, तो 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम और वो कंबाइन हो जाएगा, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास Mg3N2। तो नाइट्रोजन के साथ यानी कि ये तीनों रिएक्शन ना काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, हैलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन और नाइट्राइड्स की जो फॉर्मेशन है ना, तीनों काफ़ी हद तक रिलेटेड है। अब टोटल 5 समझने हैं, तो चौथा रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से करते हैं। ऑक्सीजन में, हाँ चलो एक बात आपको बतानी भी थी तो उसको ऑल क्लियर कर लो। ऑक्साइड्स जो बनते हैं, सबसे पहली बात यह है कि अगर नॉर्मल ऑक्साइड्स बनते हैं तो क्या है नॉर्मल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्साइड्स जो हैं वो सीधा सीधा जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन है, और आपको पता है कि वैलेंसी -2 होती है। अच्छा, जब भी बनेंगे पर ऑक्साइड्स, तो पर ऑक्साइड्स के अंदर हमेशा हमारे पास O2 होगा और बाकी रहेगा वो 2- ही। और इसी तरीके से जब बनते हैं हमारे पास सुपर ऑक्साइड, यानी कि वो ऑक्साइड जिनको सुपर ऑक्साइड्स कहा जाता है, उधर जो है वैलेंसी चेंज हो जाती है और वो बन जाती है -1 में। ठीक है ना, तो ये जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है वो जाहिर सी बात है 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, कि कब भी ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, पर ऑक्साइड बना रहा है या सुपर ऑक्साइड बना रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का मेटल रिएक्ट कर रहा है, अभी एग्जांपल में देख भी लेंगे, मेटल पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है कि वो किस कंडीशन में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो सुपर ऑक्साइड की फेवरेबल कंडीशन है तो सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स के जरिए जो है ना समझ लेंगे, और बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ये बात तो सही है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर लिथियम की एक पहली मिसाल देखी जाए, लिथियम अगर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो नतीजे में क्या बनेगा, नतीजे बनेगा लिथियम ऑक्साइड। ठीक है ना, लिथियम ऑक्साइड बनेगा और इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 लिथियम आ रहे हैं इधर, और फिर बैलेंस कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इधर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये क्या है, ये है लीथियम ऑक्साइड, इधर लीथियम ऑक्साइड आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम रिएक्शन कराते हैं, सोडियम का रिएक्शन करा के देखते हैं, तो अगर सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है सोडियम पर ऑक्साइड, तो हमें सोडियम के लिहाज से बन जाएगा Na2 और O2 पर ऑक्साइड्स बनते हैं, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ये क्या बना हमारे पास, ये बन गया हमारे पास
सोडियम परोक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं सुपर ऑक्साइड की। सुपर ऑक्साइड के लिए पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर मैं रिएक्शन बताता हूँ पोटेशियम का, तो अगर पोटेशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाता है पोटेशियम और ये आ जाता है O2। ठीक है ना, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोटेशियम सुपरऑक्स। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम सुपरऑक्साइड। तो अलग अलग किस्म के रिएक्शन जो है वो होते हैं, लेकिन हाँ रिएक्शन होते बहुत सारे हैं। ठीक है ना, परऑक्साइड्स ही बनते रहते हैं और सुपरऑक्साइड्स ही बनते रहते हैं और नॉर्मल ऑक्साइड्स ही बनते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है मेटल्स का, अल्कली मेटल्स, अल्काइन अर्थ मेटल्स का, तो हमें तीन किस्म के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं। और पांचवा भी एक अहम रिएक्शन है वाटर के साथ। अल्कलाइन मेटल्स और अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो रिएक्शन हैं विद वाटर, वो भी बड़े वायलेंट रिएक्शन होते हैं, धमाके वाले। जब भी रिएक्ट करते हैं धमाकों में करते हैं, एक्सेप्ट मैग्नीशियम और बेरिलियम, बाकी जो है वो धमाकों की सूरत में होते हैं। तो तमाम के तमाम अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अगर रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो एक एक्सप्लोजन होगा, वो एक वायलेंट रिएक्शन होगा। सिवाय इसके कि जो मैग्नीशियम है और जो बेरिलियम है, ये जो है वो क्या करते हैं, ये फॉर्म कर लेते हैं एक प्रोटेक्टिव कोटिंग। मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं बेरिलियम की, ये फॉर्म करते हैं एक प्रोटेक्टिव कोटिंग, ना एक कोटिंग बन जाती है। और इस कोटिंग का फ़ायदा क्या होता है, इस कोटिंग का फ़ायदा ये होता है कि ये एक लेयर बनती है, कोटिंग बन जाती है, और फिर वो बचाता है कोरोजन से। जो वाटर का कोरोजन होता है, जो जंग लगना होता है, तो जंग लगने से ये जो कोटिंग होती है वो बचा लेती है। ये हो रहा है इन केस ऑफ मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। ठीक है ना, बाकी मैग्नीशियम ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करेगा, मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम रिएक्ट कर सकता है ओनली विद बॉइलिंग वाटर। ठीक है ना, वाटर जो है वो बॉइलिंग होना चाहिए, बॉइलिंग वाटर से पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अल्कली मेटल्स का देख लो एक, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का एक देख लो। तो कोई भी जनरल रिएक्शन पहले अगर समझाऊं, तो कोई भी अल्कली मेटल है, ये अल्कली के लिए बता रहे हैं, अल्कली मेटल अगर रिएक्ट करता है पानी के साथ तो ये आ गया H2O। तो फिर क्या हो जाता है, ये ब्रेक होगा, जाहिर सी बात है जो हाइड्रोजन है ये क्या है, ये है H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा जो मेटल होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये अट्रैक्ट कर लेता है OH को। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, हमारे पास H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाता है। इस तरीके से अगर इसको फिर बैलेंस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा दो दो और इधर भी आ जाएगा ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन करते हैं, और ये रिएक्शन जो है ना अल्कली मेटल्स का बहुत ही कॉमन है और देखने में आता है, जिसकी एक सबसे आसान सी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। सोडियम अगर रिएक्ट करता है पानी के साथ तो होता है एक धमाका। सोडियम पानी से रिएक्ट करेगा, एक तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा, दूसरी बात ये कि एक नतीजे में एक एक्सप्लोजन होगा, धमाका होगा, और बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पर फिर वही बात है, सोडियम यहाँ पे OH को अट्रैक्ट करेगा तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होगी। ठीक है ना, ये रिएक्शन जो है वो हमारे अल्कली मेटल्स करते हैं। और अगर इसी तरीके से रिएक्शन देखा जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके रिएक्शन में एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि वही अल्कलाइन अर्थ मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नतीजे में क्या होगा, फिर वही बात है, ये आ गया हमारे पास H और आ गया OH। तो ये जो है वो उस OH को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है, ये वाले मेटल्स हैं इनकी वैलेंसी +2 होती है, तो ये यहाँ पर OH आएगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन आएगा, तो लेकिन जाहिर सी बात है OH 2 में आएगा, 2 में आएगा, और फिर ये फॉर्म कर लेगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। और इसकी भी एग्जांपल बहुत कॉमन सी है, उसको भी देख सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, के मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, या कैल्शियम के साथ भी देख सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम किसके साथ देख लो। तो अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा तो ये आ जाएगा 2H2O, नतीजे में क्या हो जाएगा, ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, OH2, और साथ में जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम की मिसाल सिर्फ तब मुमकिन है, मैग्नीशियम की मिसाल सिर्फ तब मुमकिन है जब पानी क्या हो रहा हो, बॉइलिंग हो। तो ये वाला रिएक्शन चलो मैंने बता तो दिया पहले नंबर पे, लेकिन ये फॉर बॉइलिंग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ज़रा इजी है इससे समझना, तो कैल्शियम वाली एग्जांपल देख लो,
कैल्शियम जो है ये अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये आ जाएगा कैल्शियम और ये बन जाएगा OH2 और इसी तरीके से प्रोड्यूस हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम भी रिएक्ट करता है और कैल्शियम को ज़रूरत नहीं है पानी के बॉयल होने की, लेकिन मैग्नीशियम के लिए पानी का बॉयल होना ज़रूरी है। ओके सो ये वो पांच रिएक्शंस थे जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आमतौर पर परफॉर्म करते हैं। आई होप इसमें जो लॉजिक है वो आपको समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको दूर करने की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।